हेलो दोस्तों, मैं चंदू सबका बंधु। हेलो दोस्तों, मैं पंकज। दोस्तों आज नए चैलेंज में जो कि हमारे पास कश्मीरी नान ईटिंग चैलेंज। और दोस्तों आप देख सकते हो हमारे पास 16 नान है, 8 मेरे पास, 8 पंकज भाई के पास, और दो दो प्रकार की सब्जी है, आलू टमाटर, आलू छोले, और सलाद है। सलाद में प्याज, खीरा और हरी मिर्च। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये नान नॉर्मल जो नान होती हैं उससे थोड़ी अलग होती हैं। ये दिखने में भले ही छोटी लग रही हो आपको, पर ये काफ़ी मोटी होती हैं और काफ़ी हैवी नान होती हैं ये। और ज़्यादातर लोग इसे नॉन वेज के साथ खाना पसंद करते हैं, उसी के तरीके से ये नान हैवी बनाई जाती है और काफ़ी हेल्दी होती है ये वाली नान। और कश्मीर में ज़्यादातर लोग इसे खाना बहुत पसंद करते हैं नॉन वेज के साथ, तो इसका स्वाद अलग ही आता है। ये टोटल 16 नान हैं, 8 चंदू भाई पे हैं और 8 मेरे पास हैं, और हैवी तो है ये नान। तो टोटली आज सही बताऊँ तो आज रेट मरने वाली है, और इतना ज़्यादा मैंने नॉर्मली ये पहले कभी खाई है तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से ज़्यादा नहीं खा पाया हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 3.5 खा पाया हूँगा, पर आज तो 8 हैं तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। और दोस्तों हर बार की तरह मैं जीतता आ रहा हूँ शुरू से, और मैं मेरी यही वो रहेगा कि इस चैलेंज को भी मैं जीतूँ और चंदू भाई को 8 से 8 सजा दूँ, और भयंकर वाली आज तो चंदू भाई को भयंकर सजा दूंगा। आज चंदू भाई की हालत ख़राब होने वाली है। आज चंदू भाई का मुँह बंदर की तरह लाल हो जाएगा, लाल। 3, 2, 1। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये ठंडी हो गई है तो काफी टाइट सी हो गई है। आराम से खा रहा हूँ। ठीक, दोस्तों टेस्ट काफी अच्छा है। दोस्तों देखो कितनी मोटी है रोटी, देखो। गले में पानी में दिक्कत हो रही है।
अभी से पेट ओपन हो गया। दोस्तों टेस्टी तो काफ़ी है पर थोड़ी ठंडी हो गई है इसलिए खाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, नहीं गर्म होती तो काफ़ी मज़ा आ जाता है इसमें। देख सकते हो आप रोटी काफ़ी हैवी है, मोटी भी है, ये देख सकते हो। देख रहे देख टूट नहीं रही है, इनमें दर्द हो गया है। दोस्तों आज का खाना काफ़ी टफ हो गया, मुझे ज़रा भी दिक्कत नहीं आती पर ये ठंडी हो गई थी काफ़ी तो खाने में दर्द की वजह से हालत ख़राब हुई है। आप देख सकते हो दिख रहे होंगे अलग ही अलग सूजे सूजे से डगा रही। तो दोस्तों आप देख रहे हो हमारे पास बराबर बराबर नाम रह गई है, कौन जीतता है कौन हारेगा उससे हमारी जारी रहे। काली मिर्च आ गई है। चंदू भाई की जो सब्जी बची थी वो है, और ये कॉफ़ी है, और ये आप देख सकते हो इसे अदरक कहते हैं शायद, और ये आमचूर पाउडर है, और ये मिर्च है थोड़ी सी, और थोड़ा सा नमक है। इसमें हम सब्जी में सारी चीज़ों को मिलाएंगे और चंदू भाई के लिए एक स्पेशल चीज़ मस्त सी सजा बनाएंगे। ये कॉफ़ी वाली चॉकलेटी सब्जी है पर ये मीठी नहीं है। ये लो तंदूरी सब्जी, अब इसे खाओ, ये कॉफ़ी दी सब्जी है। चंदू भाई जब तक हारेंगे चंदू भाई की ऐसी आवाज़ टाइट होगी और उदासी तो जाहिर सी बात है छाएगी चंदू भाई के मुंह पे। दोस्तों आपने कभी ऐसी सब्जी खाई हो तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि ऐसी कभी सब्जी खाई है आपने, और नहीं खाई हो तो फिर आप कॉफ़ी का पाउच लाना एक कटोरी में, एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, कॉफ़ी में सब्जी में कॉफ़ी डाल के थोड़ा सा नमक थोड़ा सा आमचूर। आज तो मज़ा आ जाएगा चंद भाई। लग रहा मज़ा आ रहा चंद भाई को आज। मुझे लग रहा है मज़ा आ रहा है कि गुस्सा आ रहा है चंदू भाई को, गुस्से में खा रहे हैं चंदू भाई आज तो। मिलते हैं नेक्स्ट चैलेंज में, जब तक के लिए दोस्तों बाय।